हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विच इज अबाउट द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीटेक। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स है और काफ़ी पुराना कोर्स है, जिसे हम बोलते हैं बीटेक, दैट इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे और ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं जैसे कि आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस। सिमिलरली एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड का कोर्स है, जिसे करके बच्चे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, या जिनका इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से करने के बाद उनका रुझान होता है कहीं वो इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ें तो वो बीटेक करते हैं। ओके, तो एक तो चीज़ ये हुई कि हमें पता है कि बीटेक जो है वो इंजीनियरिंग का फील्ड है, और बीटेक करके आप विभिन्न इसकी जो ब्रांचेस हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, ओके, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, इस तरीके से जो भी ब्रांचेस हैं उसमें लोग बीटेक करते हैं और उसके बाद फिर अपने कोर एरिया में जॉब सर्च करते हैं, या जो भी कंपनीज आती हैं वो उन्हें उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको जॉब ऑफर करती हैं। जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग का है या मैकेनिकल का है या कंप्यूटर साइंस फील्ड का है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनकी जॉब निर्धारित होती है। बट अब सवाल खड़ा ये होता है कि बहुत से बच्चे बीटेक करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और बीटेक के बाद भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन परसिस्ट करती है। वो क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मीडियोकर कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं, या किसी ऐसे कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं जहाँ से हमें प्लेसमेंट की सुविधा नहीं मिलती है, या उतना अच्छा हमें एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं मिलता है, या उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, या सिर्फ नेम से एक हमारे पास डिग्री आ जाती है। अब हम सोचते हैं कि इस डिग्री से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हज़ारों कॉलेजेस हैं और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेज से हायर करती हैं। अब अगर आप बीटेक करते हैं और बीटेक करने के बाद फिर आपको आपके कोर की जॉब नहीं मिलती, यानी कि जिस ब्रांच से आपने बीटेक किया है अगर आपको उस फील्ड की जॉब नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक और जॉब से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब बीटेक करके भी फिर आपको दूसरी जॉब्स मिलती हैं जो कि बीटेक से कहीं उनका लेना देना नहीं होता है। तो फिर दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमने बीटेक क्यों किया था, या हमने बीटेक इसलिए किया था कि हमें ये जॉब करनी पड़े वगैरह वगैरह। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स की मारामारी है, तो अब उतना जॉब्स का क्रेज़ नहीं रह गया बीटेक के बाद खासतौर पर। हालांकि अभी है, लेकिन वो सिर्फ अच्छे अच्छे संस्थानों से है, या उन संस्थानों से जहां से आपको प्लेसमेंट की सुविधा प्राप्त होती है। तो कुछ बच्चे अपने आप से जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं, या वो सोचते हैं कि हम अपनी कुछ क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर लें, बीटेक के बाद कोई और स्पेशल कोर्स कर लें, या कोई और डिग्री ले लें, जिससे कि हमारे जो रास्ते हैं वो और खुल सकें। तो हो सकता है कि जो कमी हमारे बीटेक लेवल पर रह गई वो अगर हम एक कोई और डिग्री या कोर्स करके मार्केट में जाएं तो शायद हमें बहुत जल्दी जॉब मिल जाए। तो इसलिए फिर बीटेक करने के बाद बच्चे, आपने देखा होगा, अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो अब आजकल एक ट्रेंड चल गया है, अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि बीटेक करने के बाद बच्चे जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं। यानी बीटेक करके आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं, या तो बैंक्स के जो विभिन्न पदों पर जो आईबीपीएस टेस्ट कराता है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को देखा है कि वो बीटेक करके फिर कैट की तैयारी करते हैं, कैट की तरफ जाते हैं, या एमबीए की तरफ रुझान हो जाता है तो एमबीए की तरफ निकल जाते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम टीचिंग में निकल जाएं तो बीटेक के बाद फिर वो एमटेक करते हैं, और एमटेक करके फिर वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें टीचिंग में अपना करियर तलाशते हैं। तो और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो बीटेक वाले बच्चे करते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीटेक करने के बाद हम प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी करें या ना करें, पीओ की तरफ जाएं या नहीं जाएं, कैसा डिसीजन रहेगा, सही है या गलत डिसीजन है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अगर आपने बीटेक किया है और आप बीटेक की डिग्री से संतुष्ट नहीं है और आपको आपके कोर की फील्ड की जॉब नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको अपने करियर तो स्टार्ट करना ही है। तो फिर बीटेक करके बच्चे बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, फिर आप बैंकिंग सेक्टर में निकल जाइए, लेकिन फिर कहीं भी आपकी इंजीनियरिंग की नॉलेज वो वहाँ कहीं बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगी। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होगी, तो क्योंकि आईबीपीएस के एग्ज़ाम में या बैंक पीओ के एग्ज़ाम में मैथ्स भी एक पोर्शन रहता है, तो मैथ्स आप अच्छे से कर जाएंगे और आप आराम से पीओ वगैरह निकाल सकते हैं, या क्लैरिकल कैडर की जो भी जॉब से निकाल सकते हैं। बस ये ज़रूर होगा कि हाँ आपको जॉब मिल जाएगी, आप बैंकिंग सेक्टर में निकल जाएंगे, बट
इंजीनियरिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। तो जो बच्चे बीटेक करके पीओ की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग तरफ जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसमें बीटेक का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। बस ये जरूर है कि आप तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिशन निकालेंगे और आप फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर में या बैंक के मैनेजर बन सकते हैं, जो कि अच्छा फील्ड है, आप जा सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक करके कैट की तैयारी करते हैं या एमबीए की तरफ जाते हैं या आईआईएम्स टारगेट करते हैं, तो नो डाउट, नो हार्म इन दैट, अच्छी बात है अगर आप जो है कैट की तैयारी करते हैं या क्योंकि ये माना जाता है बीटेक के साथ अगर आप एमबीए करते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और आप बीटेक करके अगर एमबीए कर लेते हैं तो बीटेक के बच्चे का देखिए ऑलरेडी माइंड खुला हुआ रहता है और काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड होता है, ओपन माइंड होता है उसका, थोड़ा सा माइंड जो शार्प होता है, एनालिटिकल माइंड होता है। तो अगर आप एमबीए कर लेते हैं किसी अच्छी जगह से, कैट के थ्रू या किसी अच्छे कॉलेज से, तो उससे आपके जो करियर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आगे काफ़ी खुल जाते हैं। और ख़ासतौर पर जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं उसके लिए तो कुछ चुनिंदा संस्थान भी हैं इंडिया में जो बीटेक प्लस एमबीए बीटेक वालों को वरीयता देते हैं और इंजीनियरिंग के फील्ड वालों को वरीयता दी जाती है। और आप बीटेक किए हुए हैं तो उन कॉलेजेस में आपको पहले वरीयता दी जाएगी और आपका प्लेसमेंट भी बहुत जल्दी होगा। तो आप बीटेक करके कैट की तैयारी कर सकते हैं और एमबीए की तरफ जा सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब बात आती है कि क्या एमटेक की तरफ जाया जाए। देखिए एमटेक की तरफ जाने का एक ही वजह ज़्यादातर जो निकल के आती है वो होती है टीचिंग। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप सबसे अच्छा तरीका होता है लोग एमटेक कर लेते हैं और एमटेक करके बहुत जल्दी टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर और केसेस में नेट निकालना होता है, पीएचडी करना होता है। एक इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप एमटेक कर लेते हैं तो आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूरी है कि सैलरी थोड़ी कम मिलेगी लेकिन आपका करियर टीचिंग में स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बाद में पीएचडी एनरोल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और आराम से जो है टीचिंग में जा सकते हैं। और ख़ासतौर पर अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें तो सिंपली आप बीटेक करके भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एमटेक कर लेते हैं तो आपकी वरीयता सीनियर लेक्चरर की गिनती में काउंट की जाएगी। तो आप बीटेक करके एमटेक भी कर सकते हैं और एमटेक करके आप टीचिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए बीटेक के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, बीटेक के बाद आप एमटेक करके टीचिंग में भी जा सकते हैं, बीटेक के बाद आप कैट मैट की तैयारी करके किसी अच्छे कॉलेज से आप एमबीए भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप एनालिटिक्स के फील्ड में भी जा सकते हैं। आजकल डेटा एनालिटिक्स का फील्ड काफ़ी निकल के आ रहा है और सॉफ्टवेयर वगैरह की अगर आपको समझ है तो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो सीख के आप एनालिटिक्स के फील्ड में भी जा सकते हैं। कि अगर आपको आपके कोर में फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है तो आप एटलीस्ट ये तो होगा कि आप अपने फील्ड से जुड़े रहेंगे। तो बीटेक करने में कोई बुराई नहीं है, बीटेक के बाद भी मतलब बहुत स्कोप है। आपको थोड़ा सा ट्राई करना है, थोड़ा सा स्किल्स सीखनी है और डिफरेंट फील्ड में, अगर आपको आपके कोर की जॉब नहीं मिल रही है या आप किसी मीडिया कोर कॉलेज से हैं तो अगर आप एमटेक कर लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं या बैंकिंग के सेक्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है, या पीएसयूज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो अपना टेस्ट कराती हैं, उसमें भी बीटेक वालों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें भी आप निकल सकते हैं। तो स्कोप काफ़ी है, आप बस ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना है या एमबीए करके आपको मैनेजमेंट के फील्ड में निकलना है या गेट करके या एमटेक करके आपको टीचिंग में जाना है। दिस यू हैव टू डिसाइड, बट यू हैव अ गुड स्कोप, ठीक है। बीटेक के बाद बहुत अच्छा स्कोप है, इंजीनियरिंग में ही नहीं, इंजीनियरिंग के अलावा भी आप जा सकते हैं और टीचिंग में भी आपका स्कोप है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम बीटेक करके जो है टीजीटी पीजीटी में तब जा सकते हैं। तो देखिए उसका एक तरीका ये है कि फिर आप बीटेक करके आप या तो जो है एमएससी वगैरह कीजिए या एमटेक कीजिए, तो एमटेक करके भी फिर जो है आप टीचिंग में जा सकते हैं। एक तो चीज़ ये रही, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा सेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए डेडिकेट किया। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इस तरीके की और टाइमली आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। और मेरी पिछली वीडियोज़ को देखने के लिए, सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। और किसी भी तरह की काउंसलिंग के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रूबरू हो सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। किसी तरह की काउंसलिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, दैट इज़ अ पेड काउंसलिंग, उसके लिए मैंने एक प्रिस्क्राइब फी रखी है, बट श्योरली आपको एक सही सलाह मिलेगी, आप अपने करियर के बारे में सही दिशा देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।